ओम शांति। आप सबको स्वागत है 1 जुलाई के गॉडली या ईश्वरी विश्वविद्यालय में, जहाँ परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सत्यता को कभी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, और सत्यता की झलक कैसे होती है वो हम समझेंगे इस वरदान में। तो परमात्मा कहते हैं, अपने चेहरे और चलन से, चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भवा। सत्यता की सभ्यता कि सत्य सभ्य कैसे हो सकता है, कौन से तरीके से उसको हम सभ्य महसूस करा सकते हैं, उनको सभ्य प्रूव कर सकते हैं, तो वो हम समझेंगे इसमें वरदान में। परमात्मा इसमें कहते हैं कि महान आत्माएं वह हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता भी जरूर चाहिए, मैनर्स कि सत्यता है तो आप सभ्य हैं, और आपके अंदर सभ्यता है तो ही आप सत्य हैं। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना वो भी सभ्य, देखना भी सभ्य। अगर आपके अंदर कुछ और है, मन में चल रहा है, आप किसी को सीधा आंखों के अंदर देख नहीं सकते हैं, आप नज़रें छुपाएंगे उससे, तो आपके अंदर सभ्यता है तो आपका देखना भी कैसा होगा, चलना हावड़ताबड़ नहीं होगी, मैनिपुलेशन नहीं होगा, खाना पीना वो भी आपका सभ्य होगा, आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, उठना बैठना भी आपका सभ्य होगा, उसमें भी सत्यता झलक किसी झलक दिखाई देगी कि आपका उठना बैठना तभी सभ्य हो सकता है जब आप अंदर और बाहर एक बराबर हों, नहीं तो आपके एक्शंस में ही दिखाई देगा कि आप सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और है, और अंदर से ऑकवर्ड फील कर रहे होंगे। वो ऑकवर्डनेस जो होती है, जो आप ठीक नहीं फील कर रहे होते हैं क्योंकि अंदर कुछ और संकल्प बाहर कुछ और आप जब कर रहे होते हैं, तो परमात्मा कहते हैं तो उस समय आपके अंदर सभ्यता नहीं होती और सत्यता भी प्रूव नहीं हो सकती। तो बैठना हर कर्म में सभ्यता स्वतः दिखाई देगी, अगर क्या हो, अंदर सत्यता हो। आप खुद ही सोचिए, जो झूठ बोल रहा है व्यक्ति, उसका उठना बैठना भी बहुत ही झटके से होगा, वो आराम से नहीं बैठेगा, आराम से नहीं उठेगा, वो हिचकिचाएगा, इधर उधर देखेगा, आंखें नहीं मिलाएगा व्यक्ति, वो खान पान भी हबड़ तबड़ करेगा, हर चीज़ में हबड़ तबड़ होगी उसकी, देखने से लेकर के बोलने तक हर चीज़। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है कि वो आपके सोच विचार बोल चाल उठने बैठने खाने पीने और चलने देखने से ही पता चल जाता है, उसे तो सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है, ऑटोमेटिक है, आत्मा छुपा नहीं सकती अंदर क्या है। सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, तो क्या आप वो सूर्य बनना चाहते हैं जो कि बिल्कुल साफ अंदर से, क्लीन एंड क्लियर, परमात्मा से भी सत्य, अपने आप से भी सत्य। जो इंसान परमात्मा से सत्य, भगवान से सत्य हो सकता है, उसको किसी और को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके हर एक्शंस, उसके बोलना चलना उठना बैठना काम करना सोचना देखना सब कुछ सभ्य होगा, उसको किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप वैसे इंसान बनना चाहते हैं, तो आप भी आकर के एक कला सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सत्य परमात्मा पिता के साथ में जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग, तो परमात्मा का संग होगा तो ऑटोमेटिकली सोचना बोलना खाना पीना उठना बैठना देखना सब सभ्य हो जाएगा और सत्यता अंदर आ जाएगी। करें कैसे, आप आइए ब्रह्म कुमारी से कोर्स करिए और फिर आगे देखते हैं। इसके साथ ओम शांति।